भाई के गुमशुदा होने की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय लगाई गुहार। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भाई के लापता होने की शिकायत देकर परिजन एसपी कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ऋषभ पटेल एसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि हमारे बड़े भाई लापता हैं, जिसका नाम राहुल पटेल, पिता रामफल पटेल है, जो कि उज्जैन में ओरछा जिला निवाड़ी जा रहे थे, जिनसे आखिरी बार बात 6 फरवरी 2021 को शाम को तकरीबन 8 बजे हुई थी। इसके बाद से उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद जा रहे थे। पीड़ित ने रीवा पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि हमें संदेह है कि हमारे भाई का अपहरण हो गया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ पटेल है। आज आप शिकायत लेकर आए एसपी कार्यालय में, क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये है कि मेरे बड़े भाई जिनका नाम राहुल पटेल है, जिनकी उम्र लगभग 30 साल होगी, और ये झांसी से निकले थे 5 तारीख को रात में, और ये जाने वाले थे गुजरात। किन्हीं कारणों से घर में फ़ोन पहुंचा तो ये वापस लौटने लगे, तो इन बात हुई, और ये 6 तारीख को रात में 9 बजे करीब बात हुई है कि 7 तारीख को सुबह निकलने वाले थे वहाँ से, लेकिन इनका 7 तारीख से कोई अता पता नहीं है, दोनों मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं 7 तारीख से। शिकायत आपने कहाँ पर की है? इसकी शिकायत हमने एसपी ऑफिस रीवा में की है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर हमारे भैया का जल्दी से जल्दी पता चले, ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है जो गए हैं वहाँ? इनका नाम राहुल पटेल है। उम्र क्या है? इनकी उम्र 30 साल के आसपास। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रीवा हम रहते हैं, लेकिन हम झांसी ओरछा के रहने वाले हैं। जो अभी गुम हुए हैं वो कहाँ के रहने? क्या सर? जो गुम हुए हैं वो कहाँ के रहने? वो ओरछा के रहने वाले हैं।